भारी बना फेरे तो क्या गया लगे साइड में बिना का तो ले हीरो मिठिया ली जोरदारी समय अग्नि का तांडव लगभग 30 बीघा गेहूं की खड़ी फसल राख। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में शुक्रवार को गेहूं के खेत में अचानक भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। तब तक इस दौरान कई किसानों की 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई, जिससे किसानों का लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। मल्लीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुंडा की मजरा दमोदरा गांव में ये घटना घटी, जहां पर गेहूं के खेत में शुक्रवार दोपहर के वक्त अचानक आग लग गई। फसल को आंखों के सामने जलते हुए देख आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय ग्रामीण जुट गए। इस भीषण अग्निकांड का आलम यह था कि एक तरफ ग्रामीणों की भीड़ आग को बुझाती जाती थी तो दूसरी तरफ आग भड़कती रहती थी। घंटों तक ग्रामीण आग बुझाने की जद्दोजहद करते रहे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर जब तक पूरी तरह काबू पाया, तब तक किसान सलामत खान, शहादत खान, समीउल्ला इस्लाम, रामशंकर, राम गोपाल, जलील, इद्रीस, हदीस, निजामुद्दीन, जाकिर खान और विजय सिंह का एक एक बीघा व इकबाल और मेरू खान का 7-7 बीघा, बालक राम का 2 बीघा सहित लगभग 30 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग लगते ही आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने बोरा अरहर की लगी डंठल से कड़ी मशक्कत से आग को काबू पाने में जुट गए। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया और उसे भड़कने से रोक लिया। अग्निकांड की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय लेखपाल रामफल यादव व राजस्व निरीक्षक राम किशुन मौके पर पहुंचकर आग से हुए क्षति का आकलन किया। लेखपाल ने बताया कि लगभग 1,40,000 रुपये की 70 कुंतल गेहूं की क्षति का आकलन कर उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। वहीं इस दौरान किसानों के चेहरों पर मायूसी देखी गई, क्योंकि उनकी गाढ़ी कमाई उन्हीं की आंखों के सामने धूं धूं कर जल गई और जब तक उन्होंने आग पर काबू पाया तब तक 30 बीघा खड़ी फसल गेहूं की जलकर पूरी तरह राख के ढेर में तब्दील हो गई है। इसमें लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। क्या गया लगे साइड में बिना का तो ले हीरो मिठिया ली जोरदारी समय